नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। डबरा के वार्ड 16 में दावे की राशि न्यायालय में जमा न करने पर एक परिवार को घर से बेघर होना पड़ गया। आशियाना छिन जाने के बाद पूरा परिवार बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। आलम यह है कि परिवार के पास अब ना सिर छुपाने के लिए छत है और ना ही पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी। न्यायालय के आदेश की अवमानना करने का खामियाजा दोषी सहित उसके तीन भाइयों को अपने परिवार सहित उठाना पड़ रहा है। दरअसल मक्खोबाई की मौत के बाद उनके चार बेटे मकान के चार हिस्से कर अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। वहीं 17 साल पहले मक्खोबाई के बेटे राजेंद्र शर्मा की गाड़ी से नारायण दास माधवानी का एक्सीडेंट हो गया था। सारा मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसके बाद न्यायालय ने राजेंद्र शर्मा को दावे की राशि 8,72,000 रुपये जमा करने के लिए कहा था। दावे की राशि जमा न करने पर कोर्ट ने मकान खाली करवाने के निर्देश देते हुए उसे सील कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दावे की राशि राजेंद्र शर्मा को जमा करनी थी और अगर कुर्की की कार्रवाई की जानी थी तो उनके हिस्से पर की जाती। मेरे ताऊजी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो उनका क्लेम आ गया है तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ा और जबकि उनका मकान है उनका मकान पीछे का है तो हम लोगों को सारे जितने परिवार हम लोग ना तो शादी करवा रहे हैं हम लोगों से। तब बताओ कहाँ आए हम लोग? 20 साल हो गया। हम लोग तो छोटे थे। 20 साल हो गया। कहाँ लगे हैं? भार तो करती है, अब जो भी करेगी कोर्ट करेगी क्या करना है कोर्ट को? हमारे हिस्से में ताला लगाया जा रहा है, बड़े भाई जी में लगा रहा है। 4 या बड़े भाई जी में लगा रही है। हमें अपना शादी है, दादी के नाम मकान है 1/4 में। दादी ने लगाया तो मैं इससे साबित हूँ, वो फेंक दिए थे। आवेदन स्वीकार। राजेंद्र शर्मा की गाड़ी से नारायण दास माधवानी का एक्सीडेंट होने पर मामला कोर्ट में विचाराधीन था। साथ ही राजेंद्र शर्मा का ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी पाया गया था। कोर्ट ने नारायण दास माधवानी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजेंद्र शर्मा को दावे की राशि 8,72,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन राशि का भुगतान न करने पर कोर्ट ने मकान खाली करवाने के निर्देश दे दिए। निर्देशों का पालन करते हुए न्यायालय के बाबू छोटे लाला कुशवाहा ने पुलिस बल के साथ मकान पर पहुंचकर ताला जड़ते हुए पूरे परिवार को घर से बाहर कर दिया। नहीं है, हम तो सब्जी बेचने जाते हैं, आ जाइए, हम रुक गए घर। हम सब्जी बेचने जाते हैं, सवेरे से कट जाते हैं 6 बजे से, संजा 8-9 बजे आती है। सुदामा जी ने कह के सील लगनी आ रही है, बस सुखा कहते हैं बाहर निकालो सामान। क्या करें, हम हो ही रही परेशान, हम तो किराएदार है, हमें मालूम ही नहीं है। तो के हम यहाँ कुर्ती वारंट की तामीनी कराने आए, ये एक्सीडेंट केस है। इसमें 17/7/2012 की डिग्री लिखी हुई दर्शित है। 8,72,355 रुपये का इसमें क्लेम पास हुआ है। 20वें वारंट में ज्यादा से कुर्की राशि अदा न करने पर मकान नंबर 53 वार्ड नंबर 16 पर ताला लगाया जा रहा है। राजेंद्र शर्मा का मकान माननीय घनश्याम के न्यायालय से कुर्की का आदेश आया था, जिसमें राजेश शर्मा नाजर थाने पर उपस्थित हुआ और मैंने अपना बल उपलब्ध कराया था। राजेश शर्मा के मकानी कुर्की लिए इसमें नाजर द्वारा मैदानी कार्रवाई की गई। ये न्यायालय का मैटर है, इसमें न्यायालय ने आदेश किया, इसके बारे में समुचित जानकारी न्यायालय से प्राप्त हुई। डबरा से अजय गौर की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।